चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की दो अहम बैठकें होने जा रही हैं, उस पर भी रहेगी नजर। सीईसी की मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यूपी की साझा रणनीति पर समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा होगी। ये एक बड़ा और अहम फोकस रहने वाला है। यूपी की साझा स्ट्रेटजी पर समाजवादी पार्टी के साथ होनी है चर्चा। तो कांग्रेस की भी दो अहम बैठकें चुनाव को लेकर आज होने जा रही। तो सियासी गलियारों से हर बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मीता चक्रवर्ती, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भास्कर सिन्हा रॉय राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे, सबसे पहले मैं रुख आपका करूंगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों से बड़ी खबरें हैं। एक तरफ बीजेपी की सीईसी की मीटिंग होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं। क्या क्या आज मुमकिन है, सबसे पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में अपने विरोधी दलों और विरोधी गठबंधनों से कहीं आगे है। और आपको हम बता दें कि बीजेपी जहां पहली सूची 195 उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरह अगर देखा जाए तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का दौरा कर चुके हैं। वहाँ पर सरकारी कार्यक्रम कर चुके हैं, वहाँ पर सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, जनता से मिल चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारियाँ जो मीलों आगे अपने विरोधियों से। और आज की हम बात करें तो आज दूसरी सूची को लेकर बीजेपी में मंथन होगा। शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। आज की जो चर्चा है उसमें मुख्य फोकस रहेगा बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी समेत उड़ीसा की सीटों पर, जहां पे उम्मीदवारों के नामों पे आज मुहर लगेगी।